सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे और नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभार रैली के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने एक पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि धामी सरकार इस तरह खुशी मना रही है जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छाई हो। जनता युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शनरत हैं और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद के कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक हैं और उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसी जा रही है। ब्लूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सारी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में ही करनी है तो सरकार का क्या काम है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाए कि अपने कार्यकर्ताओं से आभार रैली कराए जाने के बजाय मुख्यमंत्री को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में चल रही संस्थाएं युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही सरकार ने उसको ढकने का काम किया है। एक तरफ सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करती है रजिस्ट्रार महोदय के सम्मुख कि जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उसकी जांच जो है पदेन जज की निगरानी में होनी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।